हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5C को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर एक प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 5A एंड 5B नहीं देखे हो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना उसको। तो 5C में क्या है हमारा, इससे जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखो, जैसे यहाँ पे 1/2 है तो हम लोग सेंटर में ले लेंगे पहले 0। इस साइड नेगेटिव होता है एंड इस साइड पॉजिटिव होता है। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम लोग उतना पार्ट इधर कर देंगे, 1 एंड ये 2, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1। इसको हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है, ये A1 एंड ये A2, 1/2 था। तो देखो 0 के बाद हम लोग दो पार्ट किए, नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट इधर हम लोग कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर में रहेगा नंबर उस पॉइंट पे आके हम लोग फ्रैक्शन लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा। ऊपर में 1 था तो फर्स्ट वाले पे आके ये फ्रैक्शन हो गया, और दो पार्ट में था दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये एक्स्ट्रा लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। देखो 2/3, तो सेंटर में ले लेंगे 0, 3 है तो 1 2, यानी इस पे हो जाएगा हमारा A1, और फिर 1 भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में कितना था, 2, यानी कि ये 1 एंड 2, ये वाला हो जाएगा हमारा 2/3 पार्ट। सो 3/5 है, सेंटर 0, 5 है, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, यानी फिफ्थ वाला हमारा हो जाएगा A1। ऊपर में 3 है, 1 2 एंड 3, ये वाला हमारा हो जाएगा 3/5। 5/4 है, सेंटर में 0। अब देखो यहां पे 4 है नीचे, 1 2 3 4, बट ऊपर कहाँ है, 5 है, ये हमारे यहां तक आ गया, 1 2 3 एंड 4, डेनोमिनेटर 4 था तो यहाँ पे चार पार्ट इसको हम लोग कर दिए। ये हमारा हो गया A1। इसको फिर आगे भी करेंगे 5 6 7 8 9, यहाँ जितना भी है यहाँ पे A2 लिख सकते हो कहीं पे भी, 5 है हमारा। तो अब देखो 1 2 3 4 था यहाँ पे, ये 5 हो गया हमारा, ये हो जाएगा 5/4। इन सब में भी इधर A2 लिख सकते हो आगे, A2 यानी कि ये 1 था ये 2 हो गया यहाँ पे। अब क्या है देखो, -1/5, 0 ले लेंगे, नेगेटिव इधर आएगा, -1 यानी कि नेगेटिव नंबर है तो इस साइड में आएगा हमारा। फिर से 5 है तो 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला हो जाएगा हमारा A1, और -1 इसको कर सकते हैं। ऊपर में कितना है, -1, 1 है ऊपर में, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट को, ये हो जाएगा हमारा 1/5 -1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग को सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ले लेंगे 0, पहले पॉजिटिव वाला करते हैं, तो 1/4 है यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा 1/4 था, चार पार्ट में डिवाइड कर लिए, ऊपर में 1 है यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा 1/4। नेगेटिव में आते हैं, नीचे फिर 4 है, 1 2 3 एंड 4, ऊपर में कितना है 1, यानी कि 0 था यहाँ पे 1, ये वाला हो जाएगा हमारा -1/4। 2/5 एंड -2/5, सेंटर 0, पॉजिटिव में करेंगे तो नीचे 5 है यानी कि 5 पार्ट में, 1 2 3 4, 5 हो गया हमारा। ऊपर कितना है, 2, यानी कि 1 2, ये वाला हो जाएगा हमारा 2/5। इस साइड भी नीचे 5 है, 1 2 3 4 5, ऊपर में है 2, 1 2, ये हो जाएगा हमारा -2/5। 1/2 एंड 1/3, अब देखो यहाँ पे दोनों हमारा पॉजिटिव वाला नंबर है। ठीक है, 1/2 एंड 1/3, अब इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे डिनोमिनेटर का। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है, 6,
तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जीरो, एलसीएम आ गया हमारा सिक्स, तो ये सिक्स आया, इसको सिक्स पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे A1 और 1। अब देखो जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो जीरो के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा वो दूर होगा। तो देखो यहां पे हो जाएगा हमारा 1/3 एंड यहां पे हो जाएगा हमारा 1/2। तो आई होप कि एक्सरसाइज 5C समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक जरूर से कर देना एंड शेयर भी कर देना जिसको भी इस वीडियो का जरूरत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।